एक बार फिर राप्ती का कहर डुबोने लगी धरती को, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। आपको बता दें कि नेपाल में भारी बारिश के कारण कुसुम नदी में भयंकर बाढ़ के चलते नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, ऐसा बताया जाता है, जिससे नेपाल पहाड़ों से निकली राप्ती नदी का जलस्तर कल देर शाम से अचानक ही बढ़ गया और सुबह होते ही राप्ती ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से मल्लीपुर भिनगा मार्ग पर दो जगहों पर पानी की धारा बहने लगी। इसी मार्ग पर बने पुल के पास बंदरा बाबा कुटी के तीन तरफ से पानी पहुंच गया। इसी मार्ग से बीरपुर को जाने वाले मार्ग पर अतः पानी चलने के कारण मार्ग बंद हो गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, साथ ही लोगों के घर भी पानी से घिरे नजर आ रहे हैं। नदी के मुहाने पर बसा सलारूपुर व वाहसनापुर गांव में पानी से पूरा गांव घिर गया है। आपको बता दें कि राप्ती के कहर से बीरपुर, हसनापुर, सलारूपुर व शिकारी चौड़ा, हरियरपुर, करनपुर, बरुहा सहित दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। राप्ती का कहर किसानों पर टूट पड़ा है, जिससे खेतों में धान की फसल रोपी गई थी सब पानी पानी हो गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में कमर तक पानी भर जाने के कारण रोपे गए धान के ब्याड़ डूब गए हैं, जिससे अब वह नष्ट हो जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, नदी के कहर का कोप भजन हो रहे हैं। ऐसा हर साल होगा तो हम किसान खेतों में क्या पैदा कर लेंगे। बीरगंज बाजार के पिछले हिस्से में पानी पहुंच गया है। अभी बीते दिनों राप्ती नदी में बाढ़ की हल्की बानगी देखने को मिली थी, पर गनीमत रही कि पानी स्थिर हो गया था, मगर इस बार तो उससे भी ज्यादा पानी दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि यहां की बारिश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब नेपाल के पहाड़ों पर भारी बारिश होती है तो नेपाल डूबने लगता है और उसके द्वारा राप्ती में पानी छोड़ने के कारण ही ऐसा होता है। अब मौसम सामान्य हो के कारण नेपाल में बारिश नहीं हो रही है, जिससे दोपहर तक पानी सामान्य हो सकता है।